गवर्नमेंट जॉब्स की तो ऐसी तैसी मार दी है मोदी सरकार ने। पॉलिटिकल मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में तो नहीं हूँ, लेकिन मोदी जी के अगेंस्ट हूँ। डेवलपमेंट अब देखिए, सरकारी जॉब है ही नहीं, सरकारी जॉब नहीं है, कहाँ है थी? और 4 साल है आर्मी की, क्या है वो अग्निवीर का 4 साल कर दी क्या है? मैंने बोला था उनसे ऑनलाइन मोड के लिए, ऑनलाइन मोड अगर कर देना तो पेपर लीक होने के बहुत कम चांसेस होने चाहिए हैं। आपसे क्या लगा अगर नीट का ऑनलाइन मोड में हो तो सरकार इस पर लगातार सोच रही है, विचार कर? पहली बात तो नीट के बारे में एक बात बता दूं तो पेपर दोबारा तो नहीं होने वाले हैं, क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश की गई है उसमें भाई, वो क्लियर, जो टॉप करे उनका पेपर रीप्ले होगा। फिर आपको तो इतना होना चाहिए कि 2021 के जो बोर्ड्स हुए जिसमें पेपर लीक हुआ था तब क्या हुआ था? तब किसी ने तो कुछ बोला नहीं। फ्यूचर जनरेशन क्या लग रहा है कि आपको एजुकेशन सिस्टम पर कितना काम हो रहा है इंडिया? बहुत काम हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ज्यादा काम हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं और इनसे चलिए जानते हैं कि नीट एग्जाम को लेकर के और पेपर लीक जो लगातार हो रहे हैं उसको लेकर के ये क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में यही है फ्यूचर जनरेशन और इनका ओपिनियन है सबसे ज्यादा मैटर करने वाला है। तो सबसे पहले आपका क्या नाम है? कृष्णा। आपका क्या नाम? चारू। और आपका? दीपक। आप भी बता दीजिए, पीछे अनमोल। अनमोल, तो कृष्ण क्या लग रहा है आपको अभी जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप? SSC। कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। इससे पहले आप हमें बता रहे थे कि आपने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया था और वो भी पेपर लीक हो गया था, तो क्या लगता है इससे कहाँ जा रहा है हमारा? यही है, मतलब बिल्कुल भी उनने सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे, उनने जो बुकलेट दी थी विदाउट सील बुकलेट्स थी सारी, वो तो आराम से लीक हो सकता था। जैसे दिल्ली के अंदर आप दूसरे पेपर लोगे दिल्ली पुलिस इन सब के, वो डायरेक्ट कंप्यूटर होता है हाई कोर्ट के द्वारा, टाइम खत्म होती है वो चले जाता है। ऐसे यूपी में नहीं है, उनको थोड़ा देखना चाहिए, कंप्यूटराइज सारा पेपर होना चाहिए। ना कि योगी पापा की सरकार है तो वहाँ तो सारे डरते हैं, तो ऐसा कैसे हो गया? तो सेंटर के अंदर कुछ नहीं है भाई, ये सरकार है वरकार है कुछ नहीं है, ये सिर्फ बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल करने में लगे हुए हैं और कुछ नहीं करने के लिए लगे हुए। आप लोग हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, इतना मेहनत करते हैं, इतना पैसा बर्बाद जाता है, लेकिन उसके बाद भी कोई यहाँ पर कुछ एक्शन नहीं लिया जाता। गवर्नमेंट जॉब्स की तो ऐसी तैसी मार दी है मोदी सरकार ने, ऐसे ही कर दिया है भाई। अगर सरकार बदलती है तो कुछ बदलाव हो सकता है? हाँ शायद। अच्छा लग रहा है आपको? देखिए यूथ है, पॉलिटिकल मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में तो नहीं हूँ, लेकिन मोदी जी के अगेंस्ट हूँ। मोदी जी के अगेंस्ट क्यों है, क्या मतलब और कुछ अच्छा नहीं किया मोदी जी ने? डेवलपमेंट देखिए, सरकारी जॉब है ही नहीं, सरकारी जॉब नहीं है, कहाँ है थी? और 4 साल है आर्मी की, क्या है वो अग्निवीर का 4 साल कर दी क्या है ही नहीं कुछ 4 साल में? मेरे हिसाब से क्या हटानी चाहिए, जब 4 साल के पूरी साल करनी चाहिए, 4 साल में क्या हो रहा है? मैं तो दिल्ली से हूँ। दिल्ली? सब दिल्ली है, दिल्ली से है। देखिए जैसे आप लोग दिल्ली से, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं अलग अलग स्टेट से आकर के पढ़ रहे हैं, तो आ रहे हैं कोई कहीं से आ रहा है, कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से, ऐसे ऐसे आ रहे हैं। नीट का हुआ था उस पर क्या कहेंगे, इतने सारे उसमें आरोपी मिल रहे हैं कहीं कहीं, तो जिसमें यादव जो हो गए उनके पीए भी शामिल थे इसमें, तो उस पर क्या कहेंगे? बात ये हर जगह बस रिश्वत चल रहा है, हर कोई अगर ये पर भरोसा है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सीयूटी का एग्जाम दिया था, अभी तक रिजल्ट नहीं है, एनटीए पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कुछ ही नहीं है, जब इतना बड़ा पेपर लीक करवा दो तो वो कुछ भी कर सकते हैं, पैसों के लिए तो कुछ भी हो सकता है भाई। अच्छा ये बताइए, अभी नीट एग्जाम को लेकर के बोला जा रहा है कि ऑनलाइन मोड में करवा सकते हैं, तो अब बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी ऑनलाइन मोड में होने चाहिए, और ये कैसे होने चाहिए? नहीं होने चाहिए ऑनलाइन? ऑनलाइन तो बिल्कुल भी नहीं, ऑनलाइन चीटिंग तो नहीं होगी ना? होती है, जब कोविड में देखा था ना बच्चों के ऑनलाइन जो स्टडीज चल रही थी, बच्चों ने सारे गूगल पेस्ट कॉपी करके सारे आंसर दिए हैं बच्चों ने एग्जाम उसके टेस्ट जो चल रहे थे, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। क्या स्टेप ऐसे होने चाहिए आपके हिसाब से कि पेपर लीक क्या होता है? क्या बोल रहे हैं? ऑनलाइन मोड पता है तुम्हें क्या होता है? मैं आपसे पूछू, जो आपने बोला ऑनलाइन मोड मतलब पता क्या होता है? नहीं आपको मतलब मैं आप ही की बात सुन रही हूँ, आपसे ऑनलाइन मोड पता क्या होता है? वहाँ पे सेंटर पे जाकर पेपर देना, ठीक है? वहाँ पे दिल्ली पुलिस का पेपर दे के आए, यूपी पुलिस का पेपर दिया है, मैं भी एक्सपीरियंस हूँ, मेरे को पता है वो डायरेक्ट वहाँ पे टाइमिंग चल रही, टाइमिंग खत्म होती है वहाँ से क्वेश्चन पेपर सब बढ़ जाता है। ये इस ऑनलाइन मोड की बात नहीं कर रही है, हमने बात जो करी जो कोविड में 10th क्लास में आपने देखा होगा, तो ऑनलाइन मोड के मैंने इनसे बोला था, आप पूछे इनसे, मैंने बोला था उनसे ऑनलाइन मोड के लिए, ऑनलाइन मोड अगर कर देना तो पेपर लीक होने के बहुत कम चांसेस होने चाहिए हैं।
हिसाब से क्या लगा अगर नीट का ऑनलाइन मोड में हो तो सरकार इस पर लगातार सोच रही है विचार कर। पहली बात तो नीट के बारे में एक बात बता दो तो पेपर दोबारा तो नहीं होने वाले हैं, क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट में भी दलील पेश की गई है उसमें भाई वो क्लियर, जो टॉप करे उनका पेपर रीप्ले होगा, रीपेपर किसी का भी नहीं होने वाला। ग्रेस मार्क्स जो मिल रहे हैं उनका क्या करना है? टॉपर्स बच्चे भी रहे जिनका एग्जाम भी नहीं था, वो दूसरे बच्चों का एग्जाम दे रहे हैं, उनका क्या करना है? कैंसिल हो चुका है उनका, नई सिलेक्शन हुआ है, ये सब तो होता ही नहीं ना। आपको तो इतना होना चाहिए कि 2021 के जो बोर्ड्स हुए जिसमें पेपर लीक हुआ था तब क्या हुआ था? तब किसी ने तो कुछ बोला नहीं। अच्छा ये बताइए मेरा यूथ फ्यूचर जनरेशन क्या लग रहा है कि आपको एजुकेशन सिस्टम पर कितना काम हो रहा है इंडिया? बहुत काम हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ज्यादा काम हुआ है। पेपर लीक के रीजन क्यों लग रहा है? देखिए नीट का एग्जाम हुआ पहले जैसे नीट का ही हो गया, अगर इतना लीक हो गया तो इससे क्या लग रहा है कि नीट के पेपर के किसी और डिपार्टमेंट को जज नहीं कर सकते हो? हम उनके ओपिनियन पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी और डिपार्टमेंट को नहीं बता सकते, वो भी बता रहे हैं और ओपिनियन किसी का मैटर करता है। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर नीट का एग्जाम लीक हुआ वो बहुत बड़ी बात है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम लीक हो रहा है यहाँ पर। पहली बात तो पेपर लीक नहीं हुआ है, सेंटर में जाके जो हुआ है वो हुआ है, पेपर किसी को नहीं पता था पेपर कौन कौन सा आने वाला है। देखिए आपको पता है कहाँ पर कौन आया था, क्या आरोपी थे पटना में? हाँ पता है, मैंने सब। कौन सी सिम्स हो आप? इस आज की हूँ, मुझे पर न्यूज में देखती हूँ। एग्जैक्टली जो सेंटर में जाकर हुआ है, जो सेंटर में सब कुछ हुआ है उसी को तो पेपर लीक कहते हैं ना, जो सेंटर में जाकर के हुआ है वही चीज है, वही हुआ है। देखिए न्यूज के हिसाब से मैं आपको बता दूं, पहले से ही जो है पेपर बुला बुला करके आगरा से हर जगह से बच्चों को बिठाया था सरकारी बंगले में, और वहाँ पर नहीं, देखिए वहाँ पर बुलाया गया था बच्चों को, क्वेश्चन रटवाए गए थे। उसमें सरकारी जो है भारत सरकार का भी कोई ना कोई शामिल है। ये यहाँ पर देखिए एजुकेशन सिस्टम पर बात हो रही थी, तो आपको क्या लग रहा है अभी आप कोर्स की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और जहाँ पे यूथ कहते हैं कि आजकल गवर्नमेंट जॉब ही नहीं बची है, तो आपको ये लग रहा है कि है या बच्चों में स्किल्स नहीं है, टैलेंट नहीं? आप बोलो, गवर्नमेंट जॉब बहुत है, आपको वैकेंसी भी, आपको भी पता इस बार कितनी वैकेंसी निकली है ना, जिसके पास टैलेंट होगा वो लेगा और जिसके पास टैलेंट नहीं है तो उसको बहाने होगा। कोई बात नहीं, इन्होंने एक चीज ये भी तो कर रखी है, ओबीसी ये सब जो इन्हें कर रखा है ये बहुत बेकार सिस्टम है। हम जिनने लाए हमें पता है, हमको वहाँ पे मेरिट के साथ पास होने लगा, हमने मेरिट नहीं लाए ना, हम पास होने लायक हमारे यही नहीं कि हमारा नंबर आ जाएगा। मैं स्टार्टिंग से एग्री हूँ क्योंकि जनरल वालों को नहीं मिलती है नौकरी, मैं खुद बोले एसटी और एससी वालों को ही मिलती है यहाँ पर। इन्होंने इतना माइंडसेट क्या बनाया है, जो बंदा जनरल से होगा उसे पैसा होगा, ये होगा वो होगा। भाई जनरल क्लास से बंदा मिडिल क्लास से भी आता है, लोअर क्लास से भी आता है, हाई क्लास से भी आता है, जो भी थोड़ी हर जनरल बंदा हाई क्लास से ही होगा। जो है सबसे पहले उसको ही हटाना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से जो एजुकेशन में नहीं मिल। हाँ ये बात है, हमने आप बोलोगे ना ओबीसी एसटी ये वाले बच्चों को ना डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है ऑलमोस्ट, पर जनरल वालों को नहीं मिलता। मैं एग्री हूँ यहाँ पर, बट हम क्या ही बोल सकते हैं। ट्रूथ है और ये सही बात है जो स्टूडेंट्स ने हमें बताई, और यहाँ पर क्या लगता है आपको कुछ ऐसे स्टेप जो आप लोग सजेस्ट करना चाहें कि एजुकेशन सिस्टम के लिए बेहतर हो सकता है, ऐसे करके काम करें? पहले एसटी और एसटी को हटा दो, सच बता रही हूँ हटा दो। सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जनरल वालों को भी ओबीसी वालों को सबको इक्वल मिलनी चाहिए, क्योंकि हम कैसे जज नहीं कर सकते हैं कि सभी। आप भी बहुत सालों से तैयारी कर रहे होगे, मैं आपको क्या लग रहा है एजुकेशन सिस्टम में क्या चीजें ऐसी ऐड ऑन हो जाए या हटाई जाए? एजुकेशन सिस्टम में क्या कर सकते, सरकार ने पहली बार इतना रूल निकाल दिया कि राइट टू इक्वालिटी है, वो है ये राइट, इतने इतने सारे कानून कर रखे, आज तक तो कुछ भी घंटा लागू नहीं करा है। राइट टू इक्वालिटी है तो बंदों को अलग क्यों कर रखा है? एससी एसटी ओबीसी इन सबसे कास्ट से क्यों अलग कर रखा है? बंदा तो एक ही है, इन्होंने तो बस यही कर दिया है, कास्ट की वजह से कर दिया है। छूट नहीं है, छूट जो पहले चलता था हमारा वही सिस्टम है बस।